हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का नया ब्लॉग आप लोग को स्वागत है, मेरा एक्वेस्टिक विद अरुण। सो आज का अपडेट है, मेरा एक्वेरियम का कुछ आप लोग को अपडेट देखने वाला। लास्ट टाइम मैंने उस मछली कैसे करके मर गया था और मैंने किस तरीके का अभी उसका कवर किया है, और यहाँ पे कुछ कुछ अपडेट था जितने भी मैंने वाइल्ड लाइफ फिश वगैरह पकड़ा था नदी से, तो उसका अपडेट कुछ दिखाने वाला था, और कितना तो मछली मेरा मर गया है क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वहाँ का पानी से सूट नहीं करता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा मछली मर गया। वो मछली वगैरह कौन कौन था, मतलब एलिगेटर पाइप फिश वगैरह होता है ना, वो जल्दी मर जाता है, तो इसलिए कुछ मैंने उसके लिए थोड़ा सा दूसरा प्लान किया है, और उसके लिए दूसरा सेटअप करने में मैंने वो सोचा था, और मैं कुछ करूँगा इन द फ्यूचर। तो अभी मैं आप लोग को कुछ दिखाऊँगा मेरा टैंक का सेटअप किस तरीके से मैंने आप लोग को मिरर मैंने ऊपर में सेटअप किया है, और पानी का कंडीशन कैसा है करके दिखाऊंगा आप लोग। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने किस तरीके से अपडेट किया है अभी, और यहाँ का अपडेट आप लोग देख सकते हैं मेरे इस टैंक का। तो ये मेरा मेन टैंक है जो कि यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कुछ ग्लास लगाया था, और ये 2x2 फीट का है ये टैंक, और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ मछली वगैरह मैंने लेके आया था जो कि रिवर से, ये पहले लास्ट टाइम पकड़ा था ये तुरसा से, और यहाँ पर देख सकते हैं जितना भी मछली वगैरह ये और ये सब मैंने लेके आया था दूसरी नदी से। फोकस भी नहीं हो रहा है, तो इस तरीके से मैंने कुछ अपडेट किया है, और यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम कितना मछली वगैरह मर गया था, तो इस तरीके यहाँ पे देख सकते हैं ये भी मैंने स्नेक हेड का बच्चा है कि चाना फिश, हमको थोड़ा नहीं समझ, थोड़ा बच्चा है ना इसलिए, तो इस तरीके से मैंने लास्ट टाइम ये रॉक स्टोन इस तरीके से मैंने डेकोरेट किया था। तो मैंने मेरे गांव कंस्ट्रक्शन होने के लिए और यहाँ से मैंने कुछ लेके आया था, और आप लोगों को कुछ अपडेट, मैंने दूसरा माइक शॉटगन माइक को कनेक्ट कर लिया है, बोया का माइक है, जो कि आप लोगों को कैसा वॉइस सुनाई दे रहा होगा अभी देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ बड़ा ही झगड़ा हो रहा है, वहाँ पे देख सकते हैं भाई, पहले मैंने कभी भी नहीं देखा इस तरह, वो देख सकते हैं भाई येलो का फाइट, येलो का थोड़ा दिमाग नहीं होता है तो इसीलिए फाइट करता है इस तरीके का हमको लगता है भाई, देख सकते हैं। आप लोग को कुछ अपडेट देने वाला हूँ बाहर का, और यहाँ पे देख सकते हैं मेरा आउटडोर पॉन्ड इस तरीके से मैंने फिजा के रखा हुआ है, और यहाँ पे है ईल फिश, और यहाँ पे कैट फिश, और ये कम्युनिटी टैंक जैसा है, और यहाँ पे रखा हुआ है जो कि फ्राई है, और ये मैंने एक महीने से ज़्यादा हो गया है, इसका पानी मैंने चेंज नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे कुछ एल्गी वगैरह रहा है ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे वो फ्राइज को थोड़ा प्रोटेक्ट करने के लिए और हाइडिंग स्पेस हो बोल के यहाँ पे इस तरीके से मैंने छोड़ दिया है। सिर्फ थोड़ा सा पानी थोड़ा सा फेंक के इसको 10% पानी फेंक के और 20% पानी यहाँ पर फिलअप करना है, जो कि यहाँ का पानी सूख गया है, और इसको मैं थोड़ा देर में करूँगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ईल फिश, जो कि इस साइड पे आप लोग को दिखाऊंगा, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके के ईल फिश इस तरीके से रहता है वो प्लांट पे छुप के, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका बहुत बड़ा साइज होता है भाई। मेरे पास यहाँ पे 3 है ईल फिश, जो कि अभी फीड नहीं किया हूँ, ये लोग मैं देता हूँ कुछ स्ट्रीम वगैरह मेरा पास है, वो इसको काट के मैं अभी थोड़ा देर में दे देता हूँ इसको भी। और यहाँ पर देख सकते हैं मेरा पास है, ये है क्रेफिश, आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से रहता है। अभी लास्ट टाइम 2-3 दिन हो गया इसका इसका, तो आप लोग को कुछ दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कैटफिश, जो कि मैंने तुरसा रिवर से यहाँ का मेरा नियर बाय का वहाँ से लेके आया था, मैंने इतना छोटा लेके आया था, अभी ये खाना इसको परवरिश अच्छे से किया हुआ है, इसीलिए अभी इसका ग्रोथ बहुत बढ़िया हो गया है, और यहाँ पे बहुत सारा मछली है, और आप लोग को कुछ इस तरीके से मैं दिखाऊंगा, जो कि मैंने एक्वेरियम फिश वगैरह, अभी यहाँ का पानी क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है, मैंने एक हफ्ता हो गया है यह पानी चेंज किया हुआ है, और यहाँ पर देख सकते शार्क भी इस तरीके से आराम से पत्थर का नीचे छुप के रह रहा है, तो अभी एक्वेटिक प्लांट वगैरह भी रखा है। यहाँ